I'll be there for you. हाँ यार, कुछ नहीं, बस फ्रेंड्स देख रही थी. तू बता. क्या, नेट का रजिस्ट्रेशन आउट हो गया और तूने फॉर्म भी फिल कर दिया? गाइस, आप लोगों को पता है नेट का रजिस्ट्रेशन आउट हो गया और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने फॉर्म फिल कर दिया. ओह माय गॉड, इतना टेंशन हो रहा है. यहाँ प्रिपरेशन तो स्टार्ट हुई नहीं, रजिस्ट्रेशन पहले स्टार्ट हो गया. इतना वास्ट सिलेबस है, इतना सारा कोर्स है, कैसे करेंगे यार? इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा सब्जेक्ट पहले हो, कौन सा बाद में करूं. टोटल कंफ्यूजन. अरे यार, तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? मैंने JRF क्रैक करने के लिए जो जो भी स्ट्रैटेजीज यूज की, मैं वो सब तेरे साथ शेयर करूंगी. आखिर एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त के काम आता है. सो तू इतनी टेंशन मत ले. तुझे ना अपने सिटकॉम्स भी नहीं छोड़ने पड़ेंगे, पढ़ाई भी हो जाएगी, एंड एट द एंड यू विल डेफिनेटली क्रैक JRF. सो डोंट टेक टेंशन, जस्ट चिल एंड लिसन टू माई स्ट्रैटेजीज. चल ठीक है यार, मैं तेरी बातें ही सुनती हूँ जाके. सो गाइज, आई होप मेरी फ्रेंड की तरह ही आपके लिए भी ये वीडियो उतनी ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होगी. सो नेट का एग्ज़ाम देने से पहले मैं भी आप ही की तरह काफ़ी नर्वस और काफ़ी कंफ्यूज थी कि कैसे पढ़ूँ, कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाऊँ, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दूँ. आई नो दीज थिंग्स आर वेरी कन्फ्यूजिंग, बट एट द एंड आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है. सो माई नेम इज़ मानसी आनंद एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JRF के रिगार्डिंग कुछ स्ट्रैटेजीज जो कि नेट एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती हैं. सो गाइज, द फर्स्ट एडवाइस दैट आई वुड लाइक टू गिव यू इज फोकस ऑन पेपर वन. सो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि पेपर वन जो होता है वो एक टीचिंग ओरिएंटेड एग्जाम है, वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है. वेर एज पेपर टू जो है, पेपर टू इज योर सब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्जाम. जिस भी सब्जेक्ट में आपने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आप उस सब्जेक्ट को चूज करते हैं एंड देन आप उसका एग्जाम लिखते हैं. सो गाइज, मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के केस में एक बात नोटिस की है कि वो यूजुअली क्या करते हैं, वो पेपर वन पे फोकस नहीं करते, दे फोकस ऑन पेपर नंबर टू, दैट इज़ योर सब्जेक्ट रिलेटेड एग्जाम. पर जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रिलेटेड एग्जाम है, दैट इज़ पेपर वन, वो यूजुअली छूट जाता है. बट अगर आप इन दोनों पेपर्स को ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये दोनों ही एग्जाम्स इक्वल वेटेज रखते हैं आपका टोटल परसेंटेज बनाने में. सो इसीलिए एक दूसरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, दे बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. सो दैट इज़ वाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पेपर टू पे ही सारा फोकस रखें और पेपर वन को छोड़ दें. तो बहुत सारे लोग जो अपने सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे होते हैं, पेपर वन पर फोकस ना करने की वजह से उनका JRF क्रैक करना कई बार थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. सो आपको एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर नहीं करना है. लाइक लेट्स से इफ यू स्कोर 80 इन पेपर टू एंड 40 इन पेपर वन, सो दैट गिव्स यू एन एवरेज ऑफ 60. सो 60 इज नॉट सफिशिएंट टू क्रैक JRF. सो आप देख रहे हैं कि कैसे एक पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी कैंडिडेट JRF से रह जाता है. सो द की इज नॉट टू स्कोर एक्सेप्शनली वेल इन वन एग्जाम बट एवरेजली गुड इन बोथ द एग्जाम्स. सो आपको ये बात थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए. तो मैं चाहती हूँ आप ये गलती ना करें जो मैंने काफ़ी लोगों को करते हुए देखा है. सो पेपर वन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी न्यू सब्जेक्ट होता है, क्योंकि हमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं पे भी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया नहीं जाता. वेयर एज जो पेपर टू है, पेपर टू हम ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं. तो नॉर्मली हम 5 साल उस एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं, तो उसके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी आपके दिमाग में बैठे होते हैं. तो वहाँ पे आपको पेपर टू को रिवाइज करने की ज़रूरत है, जबकि पेपर वन को आपको स्टार्टिंग से पढ़ना होता है. इसलिए पेपर वन इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट एंड पेपर वन काफ़ी स्कोरिंग भी होता है. बट पेपर वन में यूजुअली स्टूडेंट्स को डर लगता है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन से. सो दैट इज़ वाई पेपर वन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट. सो द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस इज कि यू शुड ऑलवेज ट्राई टू स्टडी द एग्जाम बिफोर यू स्टडी फॉर द एग्जाम. सो पेपर के लिए पढ़ने से पहले पेपर को पढ़ें. ये जाने कि पेपर का पैटर्न कैसा आता है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और वो सवाल कौन कौन से सेक्शन से होते हैं, कौन कौन से सिलेबस के पार्ट से होते हैं, सो दैट आपको एग्जाम का एक ओवरव्यू मिल पाए. सो ये स्ट्रैटेजी मैंने अपने MCOM एंट्रेंस के टाइम और अपने दोनों नेट के एग्जाम्स के टाइम यूज़ की. मैं
सिलेबस उठाने से पहले या सब्जेक्ट्स को पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले पास्ट ईयर पेपर्स उठाती हूँ और ये एनालाइज करने की कोशिश करती हूँ कि उस पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कितना है। सो अगर वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है तो मुझे समझ आ जाता है कि मुझे ज़्यादा टाइम देना है, और अगर वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है तो मुझे समझ आ जाता है कि मैं कम टाइम में ही इसके लिए प्रिपेयर कर सकती हूँ। सो बेसिकली आप पास्ट ईयर पेपर्स को देखते हुए अपने खुद का एक स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं इन विच यू आर नेचुरली गुड, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है और आपको अपनी वीकनेसेस भी पता लग जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि इन सब्जेक्ट्स में आप अच्छे नहीं हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वहाँ पर देना पड़ेगा। सो एक बार जब आप अपना स्वॉट एनालिसिस कर लेंगे तो उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे आपको किस सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देना है और कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। सो टाइम मैनेजमेंट कभी भी कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि हर किसी की अलग अलग स्ट्रेंथ्स होती हैं और अलग वीकनेसेस होती हैं, तो आप ये नहीं सोच सकते कि अगर मेरा फ्रेंड इस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे रहा है तो मैं भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करूँ। सो स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज सब्जेक्टिव एंड इट शुड ऑलवेज सूट टू योर ओन नीड्स एंड योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। बट यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जुलाई 2018 से पहले के पेपर्स शायद आपके लिए इतने यूजफुल ना हो बिकॉज उसके बाद पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। सो दैट इज़ वाई जुलाई 2018 से पहले के पेपर्स शायद आपके लिए उतने यूजफुल ना हो। सो आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस इज ट्राई टू डू एज मेनी एज मॉक टेस्ट यू कैन। सो क्योंकि नेट का सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, सब सब्जेक्ट्स को पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, सबके लिए टाइम मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं। सो आप जितने मॉक टेस्ट लेंगे, एक तो आपको पेपर के पैटर्न का आइडिया लगेगा एंड उसके बाद आपको क्वेश्चंस का भी आइडिया लगेगा और आप ये भी समझ पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से आ रहा है, तो हर सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस और वेटेज आपको समझ आने लगेगी एंड मॉक्स के अकॉर्डिंग ही आप अपने टॉपिक्स को भी रिवाइज कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि अगर एक मॉक टेस्ट में एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप उस टॉपिक को नोट डाउन करके रख सकते हैं, फिर आप उसको अच्छे से रिसर्च करके उसके नोट्स भी बना सकते हैं। सो बेसिकली ऐसे आपके काफ़ी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे अगर आप मॉक टेस्ट लेते रहेंगे तो। जैसे अगर कोई कॉमर्स स्टूडेंट मैनेजमेंट में नेट दे रहा है तो देर आर सम सब्जेक्ट्स जो ना कॉमर्स में पढ़ाए जाते हैं और ना ही मैनेजमेंट में पढ़ाए जाते हैं, बट फिर भी वो मैनेजमेंट के नेट एग्जाम में आते हैं। सो ऐसे सब्जेक्ट्स को आपको खुद पढ़ना पड़ता है। सो आप देख सकते हैं कि कितना वास्ट है नेट का सिलेबस, सो इसीलिए अपने आप इनको कवर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो गाइज, अगर रीसेंट ट्रेंड को एनालाइज किया जाए और आने वाले नेट एग्ज़ाम के बारे में फोकस किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाली कट ऑफ जो है वो और भी हाई जाने वाली है। सो JRF कट ऑफ का ट्रेंड आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आप देख सकते हैं कि कैसे जुलाई 2019 की कट ऑफ काफ़ी हाई थी। सो आप देख सकते हैं वो कट ऑफ है 68 इन कॉमर्स एंड 68 इन मैनेजमेंट। सो 68 इज़ क्वाइट हाई फॉर क्लियरिंग JRF। सो फोकस ये कहते हैं कि ये कट ऑफ आने वाले टाइम में और भी बढ़ने वाली है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सो पेपर का लेवल जब भी बढ़ता है तो कट ऑफ एक बार तो गिरती है बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट यूज टू दैट हाई लेवल, बट उसके बाद व्हेन दे स्टार्ट अडैप्टिंग और कंपटीशन और ज़्यादा रिगरस होता जाता है तो उसके बाद कट ऑफ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। सो दिसंबर 2019 के लिए फोकस ये कह रहे हैं कि अब कट ऑफ और भी हाई जाने वाली है, सो इट वुड बी बेटर कि आप टाइम से अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और सीरियसली नेट के लिए पढ़ें ताकि यू वुड बी एबल टू क्लियर JRF एट दी एंड। सो अगर आप मॉक्स का यूज़ करेंगे, अगर आप मॉक टेस्ट पेपर्स को पढ़ेंगे तो क्या होगा, आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को तो कवर कर पाएंगे बट साथ साथ आप एक सब्जेक्ट को डेप्थ में भी पढ़ पाएंगे। सो जैसे जैसे कट ऑफ बढ़ती जा रही है, अगर आप किसी सब्जेक्ट को डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए JRF क्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो पहले क्या होता था, कट ऑफ कम थी सो इसलिए कई स्टूडेंट सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के भी JRF क्रैक कर लेते थे, बट अब आपको सब्जेक्ट्स को थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा अगर आप JRF क्रैक करना चाहते हैं तो। सो यू हैव टू कवर दी ब्रेथ ऑफ सब्जेक्ट्स एज वेल एज यू हैव टू गो डीपर इन टू दी सब्जेक्ट्स। सो नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रैटेजाइज अकॉर्डिंग टू दी टाइम यू हैव। सो हर किसी के लिए प्रिपरेशन के लिए अलग टाइम अवेलेबिलिटी होती है। लेट्स से अगर आप 6 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं या 3 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं या 2 महीना पहले पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं,
आपको अपनी स्ट्रैटेजीज उसी अकॉर्डिंग बनानी चाहिए जितना टाइम आपके पास है. सो अगर आप अभी देखेंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट 2.5 महीने बचे हैं नेट के लिए प्रिपेयर करने के लिए. सो पहले क्या होता था, दिसंबर के एंड में यूजुअली एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता था, बट इस बार डेट्स थोड़ी प्रीपोन हो गई हैं. दिसंबर के बिगिनिंग में ही एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, तो स्टूडेंट्स के पास प्रिपरेशन टाइम और भी कम हो गया है. सो दैट इज़ वाई यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एट दी अर्लीएस्ट. सो अभी आपके पास ऑलमोस्ट 2.5 महीने हैं प्रिपेयर करने के लिए, तो आप उसी अकॉर्डिंग चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं. सो आप सोच सकते हैं कि 2.5 महीने में से लास्ट का हाफ मंथ यू विल कीप फॉर रिविजन, बचे 2 महीने. तो 2 महीनों को आप इक्वली डिवाइड कर सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में, क्योंकि उन दोनों की वेटेज इक्वल है. सो अगर आप ये सोचें कि पेपर 2 तो आप हमेशा से पढ़ते ही आ रहे हैं और उसके अंदर 10 सब्जेक्ट है, सो दैट गिव्स यू 30 डेज फॉर पेपर 2. दैट मीन्स 30 डेज फॉर 10 सब्जेक्ट्स, which gives you 3 days for one subject. So आप जिन subjects में अच्छे हैं आप उस पर 2 दिन लगा सकते हैं ताकि आपका time बच जाए और उस बचे हुए time को आप अपने weaker subjects में use कर सके. So यहाँ मैं आपको ये suggestion देना चाहूँगी कि जो subjects आपके strong हैं आप उन्हें पहले strong कर लें, आप उन्हें अच्छे से revise कर लें ताकि आपकी strengths ही बनी रहें और उसके बाद वर्क ऑन योर वीकनेसेस. सो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स टफ और वीकर सब्जेक्ट्स पहले उठा लेते हैं जिसकी वजह से उनके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स भी रिवाइज नहीं हो पाते. सो वो अपनी स्ट्रेंथ को भी लूज कर देते हैं. तो आप ऐसा ना करें, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहले स्ट्रॉन्ग करें. दैट वुड गिव यू सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस और वो कॉन्फिडेंस आने के बाद आप वीकर सब्जेक्ट्स को उठा सकते हैं. सो बट आपको यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस करना होगा, ऐसा ना हो कि आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं वो सिलेबस का बहुत ही कम प्रपोर्शन बनाते हैं और आप सिर्फ 40% या 50% सिलेबस करके चले जाएं. सो दैट शुड नॉट बी द केस. सो अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को फटाफट जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं और उन्हें स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उसके बाद अपनी वीकनेस पे काम करेंगे तो आपका 80% से 90% सिलेबस कवर हो जाएगा. सो अगर आपका कुछ परसेंट सिलेबस लाइक 5-7% सिलेबस छूट भी जाता है तो दैट इज़ प्रिटी मच फाइन, बिकॉज आपको यहाँ पे फुल मार्क्स सिक्योर नहीं करने हैं, आपको यहाँ पे दोनों ही पेपर्स में एवरेजली गुड परफॉर्म करना है. सो डोंट लूज आउट ऑन दो सब्जेक्ट्स इन विच यू आर नेचुरली गुड. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज अगर आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे तो ही आप अच्छे से पढ़ पाएंगे. सो डोंट टेक एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज एक अच्छी स्ट्रैटेजी से आप इजीली JRF को क्रैक कर सकते हैं. सो स्टे हैप्पी, हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योर मील्स, स्लीप प्रॉपरली, एंड आपका जब भी मन करे गो फॉर अ रन, गो फॉर अ वॉक, परस्यू योर हॉबीज, तो उस सब से आपका माइंड कूल और काम रहेगा और आपकी एफिशिएंसी भी बरकरार रहेगी. अगर आप कोशिश करेंगे कि आप 4 घंटा बैठ के इकट्ठे पढ़ लें, सो उससे आप काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाएंगे और आप उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, और जो आप पढ़ेंगे भी तो उसकी एफिशिएंसी और उसकी यूटिलिटी इतनी नहीं रहेगी. वेरैज अगर आप छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे अपने सारे टाइम को, सो दैट वुड गिव यू इनफ टाइम फॉर स्टडिंग एज वेल एज चिलिंग. सो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपने 1 घंटा पढ़ाई की तो देन यू कैन टेक अ 10-15 मिनट ब्रेक, जिसमें आप अपने किसी फ्रेंड को कॉल कर सकते हैं या कोई शॉर्ट मूवी देख सकते हैं. सो यू कैन डू वट एवर यू लाइक. सो इससे आप बहुत ज़्यादा फटीग और टायर्ड फील नहीं करेंगे एंड यू वुड इन्जॉय योर टाइम ऑफ स्टडिंग. सो इसलिए डोंट टेक स्ट्रेस एंड ट्राई टू स्टडी हैप्पीली, क्योंकि आप कितना भी अच्छा प्रिपेयर कर लें, एट द एंड वॉट मैटर्स इज कि एग्ज़ाम देते हुए उस 3 घंटे में आपकी मेंटल सिचुएशन कैसी है. सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ काम ताकि आप एनालिटिकल क्वेश्चंस को, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ. सो इट इज़ बेटर दैट यू स्टार्ट स्टडिंग ऑन टाइम, सो दैट आप इंजॉय भी कर पाएँ और आप साथ साथ पढ़ भी पाएँ. एंड अगर आप मेरी तरह एक सिटकॉम फैन हैं, देन यू कैन वॉच एन एपिसोड और 2 ऑफ योर फेवरेट सीरीज. So you can go for Friends, How I Met Your Mother, Big Bang Theory, Modern Family, whatever you like. But take care of one thing, don't binge watch. Because binge watch karenge to pad nahi payenge. So watch an episode or 2 in breaks, enjoy and take care of yourself, stay happy and study properly. So friends, agar aap chahte hain ki aapko net ke liye strategize karne mein aur achhe se help mile, then you can check out our courses. सो ये जो भी पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए, आई हैव डिज़ाइन सम कोर्सेज फॉर नेट इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. सो यू कैन चेक देम आउट. सो वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे.
So I hope you like this video, and if you do, then don't forget to like and subscribe. And if you have any query, तो आप comments में mention कर सकते हैं. Thank you for watching.